नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत वर्मा लेके आया हूं आज आपके लिए एक और वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको दूंगा बधाई। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान रूपी दीप को जलाते रहेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, और इस जग को उजियारा बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का जो ये वीडियो है ये संबंधित है एक ऐसी प्रॉब्लम से जो इंडियन आर्चर को कई बार फेस करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिम क्रैक्स की। लिम क्रैक्स का सॉल्यूशन क्या है? आर्चर जब बो पुल करता है तो अचानक उसे पता चलता है कि उसके लिम में कुछ क्रैक आ गए हैं, और वो क्रैक को सॉल्यूशंस ढूंढता रहता है, या फिर उसको एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है वो कि या तो उसके धनुष में उसके जो लिम्स हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए, अदरवाइज पूरा का पूरा बो ही चेंज कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में हर आर्चर के लिए यह संभव भी नहीं है कि वो अपने अपने धनुष को समय के हिसाब से बदलता रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी तो मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो आप अपने घर पे या अपने आर्चर्स के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो क्या है ये सॉल्यूशन? सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये क्रैक जो पड़ा हुआ है वो है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रैक पड़ा हुआ है, और ये जो क्रैक है ये इसके बो को, इसके पॉन्डेज को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया है इसने। अब ये चूंकि यहाँ बीच में ही क्रैक पड़ गया है, इसका सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ सॉल्यूशंस के रूप में हमने यहाँ जॉइंट्स पे गटिंग की हुई है। ये गटिंग का वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका लिम बीच में से क्रैक हो जाता है तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में इस कंडीशन में हैं कि आप नया लिम पेयर नहीं ले सकते तो आपके लिए मैं बताऊंगा एक सॉल्यूशन। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं हमारी वर्कशॉप में, और वहां पर इसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये जो क्रैक है, इस क्रैक को हमको चेक करना है कि ये कितना डीप गया है। अगर ये क्रैक बहुत ज़्यादा डीप गया होगा तो यहाँ से इसकी लाइन दिखाई देगी, लेकिन चूंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये क्रैक ज़्यादा है, क्योंकि ये इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पे ही ये हमें आइडेंटिफाई हो गया था। फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक कटर का यूज़ करना है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी आरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से छीन लेंगे ऊपर ऊपर से, इसका जो लेयर है जिसमें कि एक वार्निश लगी हुई है उसे आप एकदम साफ कर लेंगे, ताकि आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाए कि ये जो क्रैक है ये कितना लंबा गया है। अब आप जरा इसको फोकस करके देखेंगे कि आपको यहां पर एक बारीक लाइन दिखाई दे रही है, और ये जो बारीक लाइन है ये देख रही है आप, ये बारीक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बारीक लाइन को अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे आपको शायद ये दिख जाएगी, है ना। देखिए ये पूरी लाइन यहाँ तक हेयर लाइन के जैसा यहाँ तक ये गई हुई है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास में ऑप्शन है तो आप लिम पेयर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, कुछ दिन आपको लिम पेयर चेंज आप नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसकी गटिंग कर लेनी है, लेकिन इस गटिंग में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो होता है नॉर्मल नायलॉन के धागे से हम ये गटिंग कर लेते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये गटिंग का प्रोसेस आपको मालूम है, लेकिन इस गटिंग में क्या खास है? इस गटिंग में खास है एक सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका लिम क्रैक हो गया है और आपको मेंटेनेंस करना है, और आपको लगता है कि कुछ दिनों बाद आप नया लिम पेयर लेंगे तब तक आपका ये लिम काम करे, तो इसके लिए मैं आपको झटपट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए आपको करना है इस तरीके की एक मेटल की पत्ती का इस्तेमाल। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये एक मेटल की पत्ती है, इस तरीके से एक मेटल की पत्ती का आपको इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने लोकल मार्केट से मुझे मिल गई थी, आपको भी आपके आसपास में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये पत्ती कहाँ से मिले, तो किसी भी कबाड़ी की दुकान से भी आपको ये पत्ती बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है। इसको शेप देने के लिए थोड़ा सा मैंने इसे ठोक लिया था, जिसकी वजह से ये एक शेप में आ गया है। अब हम जब कटिंग करेंगे
सबसे पहला हम काम करेंगे वो है मार्किंग। तो हम मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितना एरिया कवर करना है गटिंग से। तो मैक्सिमम जो 4 इंच का एरिया है वो हम कवर कर लेंगे। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर 3 इंच, लगभग 3 इंच का एरिया कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लूँगा और इसके हिसाब से इसके अंदर अंदर ही मैं अपना गटिंग का प्रोसेस करूँगा। अब जो रहा हिस्सा है इसे मैं साफ कर लूँगा। यहाँ पर सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इस्तेमाल करेंगे, गटिंग करेंगे, तब उस समय पे ये एरिया पूरा कवर्ड होने वाला है, तो इसकी सफाई होना ज़रूरी है जिससे कि इसके अंदर जो इसके रेशे हैं वो रेशों में हमारा सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से लग जाए। तो अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये धनुष जो है जब हम इसे पुल करेंगे, जब हम लिम को पुल करेंगे तो पुल करने के बाद में ये हमारे तरफ बेंड होती है। जिस दिशा में बेंड होगी उसी दिशा के साइड से आपको ये मेटल का पार्ट लगा लेना है। तो दोस्तों अगर आपके पास में इस तरीके का मेटल का ये पार्ट अवेलेबल नहीं है, ये पत्ती अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहें तो आपका किसी पुराने लिम पेयर का कोई कटिंग टुकड़ा उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से लगाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लगा के सपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज सबसे और आसान तरीका है आपके पास जो आपके एरोज होते हैं जिनकी आपको कटिंग करनी पड़ती है जब कभी भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो उन एरोज को भी आप कट करके ऐसे सपोर्ट में लगा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए आपने देखा होगा ना जब कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर के लिए भी कुछ लकड़ियों का सपोर्ट दिया जाता था पहले, अब तो प्लास्टिक के ऑटोमेटेड बने हुए आ गए हैं, लेकिन ये सपोर्ट आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप सपोर्ट लगाकर अपने जो बो की लिम है इसके क्रैक को सपोर्ट दे देंगे जिससे कि ये और ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और आपका परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ये पत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब चूंकि मैंने यहाँ सफाई कर लिया है, अब हमारा अगला स्टेप है इस पत्ती को भी साफ़ कर लेना। इस पत्ती को साफ़ करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा रेगमाल, या फिर अगर रेगमाल नहीं होगा तो कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये है रेगमाल, ये बारीक रेगमाल आपको मिल जाएगा किसी भी मार्केट में, सैंड पेपर है हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये जो एंगल की पत्ती है इस पत्ती को अंदर से साफ कर लेना है, जिसमें कि इसमें जो डर्ट लगी हुई है या अगर कभी कभी जंग भी होती है वो भी इसे साफ हो जाए। तो चलिए दोस्तों अभी हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। आप एक एक स्टेप को देखते रहिए, अगर आप स्टेप्स को भूलेंगे या स्टेप को वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको ये बात ठीक से समझ नहीं आएगी कि आपको कैसे ये करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप गटिंग करते हैं तो गटिंग करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक धागे का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि या तो आप नायलॉन का धागा इस्तेमाल करिए या फिर जो धागा मोची इस्तेमाल करते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक कॉटन का और नायलॉन का मिक्स धागा आता है जो बहुत ही मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल है, 525 नंबर का ये धागा है। तो यहाँ पर मैं इस धागे का इस्तेमाल करूँगा, साथ ही साथ मुझे लगेगा एरल्डाइट। दोस्तों ये है एरल्डाइट, ये एरल्डाइट बड़े काम की चीज़ है आर्चरी में, इसका रिपेयरिंग वर्क में काम होता है, आपको किसी भी लोकल मार्केट में ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखिए, जब भी कभी आप इस तरीके के काम करते हैं, गटिंग का प्रोसेस करते हैं, तो मौसम के कंडीशन का भी आपको ध्यान रखना है। गटिंग के प्रोसेस के लिए नमी वाला मौसम होना सही नहीं है, उसके लिए खतरनाक है, इसलिए आप कोशिश करें कि ड्राई मौसम हो, धूप निकली हुई हो, और उस निकली हुई खिली हुई धूप में आप इस काम को करेंगे तो आपका ये जो परफॉर्मेंस है मेंटेन रहेगा। अदरवाइज इसको अगर किसी भी तरीके की नमी लग गई या पानी लग गया तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम इसकी कटिंग की प्रोसेस कर लेंगे।
तो अभी सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं मिक्सिंग कर लूँगा। ये दो पार्ट में एरल्डाइट आता है मार्केट में, आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एरल्डाइट का ही इस्तेमाल करें। फेविकोल, फेविक्विक या किसी और दूसरे ग्लू का इस्तेमाल ना करें। जितना आप अच्छी कटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ही केमिकल इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि आपका वो काफ़ी लंबे समय तक चल सके। और ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आप अगर लिम्पियर बदलने जाएंगे तो आपको कम से कम 2,000 रुपये का खर्चा लगेगा, लेकिन आपका वही काम यहाँ पर मात्र 100 रुपये के अंदर हो जाएगा या उससे भी कम में। देख रहे हैं आप मैंने किस तरीके से इस पूरे एरलडाइट को इस्तेमाल किया है। मैंने एक पूरा ट्यूब ही ले लिया है, क्योंकि मेरा ये काम थोड़ा सा बड़ा है, मैं बार बार तो इसे खोलूंगा नहीं, और ये काफ़ी चिपचिपा होता है, काफ़ी स्टिकी होता है, इसमें से स्मेल भी आती है, तो उसको थोड़ा सा दूर से ही करें, जिससे कि ये कई बार कई लोगों को स्मेल अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, बट आर्चर्स के लिए मैं उनकी हेल्प हमेशा करूँगा, मेरा यही काम है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये ट्यूटोरियल का स्टेप बाय स्टेप लर्निंग अच्छा लग रहा होगा। अब एक छोटा सा ऐसा जो चाकू है जो घर में एक्सपायर हो जाता है, यानी कि उसका यूज़ घर में नहीं होता क्योंकि उसकी धार खत्म हो जाती है, ऐसे चाकू का बहुत बड़ा रोल है। आप इससे इसको मिक्सिंग कर सकते हैं, ये देखिए एरल्डाइड को आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये वाइट कलर में से क्रीम कलर में, और उसके बाद में ये जो हमारा मक्खन का कलर होता है ना, बटर कलर, बटरी हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी थिकनेस को और बढ़ा सकते हैं। अब इसकी थिकनेस कैसे बढ़ाएंगे, तो इसके अंदर आप चाहें तो वुडन लकड़ी का बुरादा डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही ये कमज़ोर भी होता चला जाएगा, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें। चलिए तो दोस्तों अब ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको लगाना शुरू कर देंगे। लगाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इस धागे का मैं इस्तेमाल करना है, और इस धागे को सबसे पहला मेन जो काम है वो है इस धागे को हमको इस पे बांध लेना है। बांधने से ये होगा कि धागा इधर उधर भागेगा नहीं, लूज नहीं होगा, आप कोशिश करें कि धागे को अच्छे से आप बांध सकें। ये धागा मैंने यहाँ पे बांध दिया है, और मैं थोड़ा सा कॉर्नर में इसे कर दूंगा। अब जो हमने एरल्डाइट मिक्स किया है उसको हम, उसका पहला लेयर हमें लगा देना है। अब देख रहे हैं मैं इसको पहला लेयर कैसे लगा रहा हूँ, ज़्यादा एरल्डाइट हमें लगाना नहीं है, और बस सिर्फ एक लेयर जैसा, जैसे हम मक्खन लगाते हैं ना बटर ब्रेड पे, ठीक वैसे ही बटरिंग कर देनी है, या बटरिंग कर देंगे तो बड़ी आराम से लग जाएगा। और आपको अगर सफाई से काम करना है तो चाकू का इस्तेमाल जरूर करें, किसी कील लकड़ी इनका इस्तेमाल करना छोड़ दें दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि दिवाली है, दिवाली में हम सब खूब सारे दिए जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो आनंद आता है। लेकिन इस दिवाली में आप कम पटाखे फोड़ें और खुशियां ज़्यादा बांटें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके मन में क्या विचार है,
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप ये वीडियो जब देखेंगे तो दिवाली का दिन होगा, और जैसे ही आप ये वीडियो देखें तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें कि आपका दिवाली में आपने कौन सा नया ऐसा काम किया जिससे समाज को, आपके आसपास के लोगों को या आप खुद को भी बहुत ही आनंद मिला, और आपका सही उत्सव दिवाली का दीपोत्सव आपने मनाया। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसे कटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो धागा है इसे इस तरीके से टाइट पकड़ लेना है, और ये चूंकि बहुत मजबूत धागा है इसलिए इसे रोल कर रहा हूँ मैं, और ये मैं, आप देख सकते हैं मैं फास्ट फास्ट रोल करने की कोशिश करूँगा। एक एक लाइन को मैच करते हुए इसे रोल करना है। आप देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आप किसी की सपोर्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि काम को थोड़ा सा फास्टर और प्रिसाइज करने के लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और दोस्तों वो कहावत है ना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो एक दूसरे का सहकार हमको लेना चाहिए और हेल्प भी करनी चाहिए। मेरा जो पार्टनर है वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो मैं फटाफट से देखिए कटिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा पहला लेयर पूरा हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे इसको रोक दूंगा और आगे का प्रोसेस कर लूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इसको ये कट कर लिया है। अब बारी आती है सेकेंड लेयर की। सेकेंड लेयर के लिए मैं यहाँ पर फिर दोबारा से इसको एक लेयर बटरिंग कर दूंगा। जैसे हम मक्खन लगाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, वैसे ही आपको ये लगा लेना है, ठीक है। और ये देखिए, ये इस तरीके से इसके जो धागा है, धागे के ऊपर भी अच्छे से लग जाना चाहिए। दोस्तों मैंने अभी एक और सर्विस शुरू की है, मैं अनाउंस कर रहा हूं आपके लिए, वो ये कि अब आप सीख सकते हैं आर्चरी घर बैठे। जी हाँ, आपके लिए बाउंड्री लेस आर्चरी शुरुआत करी है। आपको अगर धनुर्विद्या सीखना है, तीरंदाजी सीखनी है, और आप भी चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे धनुर्धारी बने, आपको भी अगर किसी तरीके की कोचिंग या टिप्स और ट्रिक की ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल में जो ज्वाइन है, ज्वाइन बटन को दबाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइनिंग बटन जो है ये फ्री नहीं है, ये एक पेड सर्विस है। आपको एक्सक्लूसिवली मेरी तरफ से हमारे वीडियोस मिलेंगे, और आपको आपका जो व्हाट्सएप सर्विस मिलेगी, और साथ ही साथ आपको आर्चरी सिखाने के लिए मैं पूरी पूरी मदद करूंगा, जिससे कि आप भी अपने एरिया में आप एकलव्य के जैसा तीरंदाजी सीख सकें, धनुर्विद्या करके आप भी धनुर्धारी के रूप में पहचाने जाएँ। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है पेड सर्विस लेने का, तो आप ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव मेरे मेंबर बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब जो मेन प्रोसेस है वो कर लेंगे। पहला लेयर हमने लगा लिया है, दूसरा लेयर के लिए हम इस स्टील की जो प्लेट है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आपने तो देखा ही होगा ना कि जब कोई किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके पैर में रॉड डाली जाती है, वैसे ही समझ लीजिए दोस्तों हम भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसको हम आराम से यहाँ पे रख देंगे, और ये जो इसमें खास बात देखिए, आप इस छेद वाली मैंने पत्ती ली है, आप भी कोशिश करें कि ऐसी छेद हो, नहीं तो आप छेद कर सकते हैं, कील से छेद कर सकते हैं पत्ती में। और ये पत्ती में छेद होने से फायदा ये है कि इसके अंदर एराल्डाइट एकदम फिक्स तरीके से बैठ जाएगा। देखिए दो आंखें दिख रही ना, ये आंखें, यस ये आंखें जो है ये इसके लिए सपोर्ट के काम करेंगी। अभी हम इसको भी ऊपर से लेयर कर देंगे, बटरिंग कर देंगे। थोड़ा ध्यान रखें, जगह से हिल भी सकता है, इसलिए इसे हिलने ना दें, कोशिश करें कि ये प्रॉपरली फिल्ड हो जाए। तो ये दोस्तों मैंने इसे लगा दिया। अब मैं फटाक से अपनी सेकंड स्पाइरल इसको कर लूंगा, फटाफट से कटिंग कर लूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये जो स्टील का पत्ती थी उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इस पे कटिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ।
यहाँ पर आप कटिंग करते समय थोड़ा सा टाइटली कटिंग करें, और जितना हो सकता है उतना प्रेशर से आप करेंगे तो इसके अंदर जो फिक्सिंग है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वो का लिम्ब जो है हमने रिपेयर किया था, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर इसका परफॉर्मेंस सक्सेस रहता है तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर ये किसी भी कारणवश इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो से अच्छा अच्छा बताना ही ज़रूरी नहीं है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप भविष्य में मेरे अगर फॉलोअर हैं और आपको भी ऐसा कुछ करना पड़े तो कई सावधानियां आप पहले से ही ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका समय भी बचत हो जाएगी और आपका वो भी ठीक से परफॉर्म करेगा। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है, आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए दोस्तों, और गुरु द्रोणा आर्चरी जानना ये आपका अपना चैनल है, आप कभी भी हमें कमेंट कर सकते हैं, कभी आपको कोई क्वेरी है तो आप वो क्वेरी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है वी हेल्प ऑनलाइन, ये भी मैं ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ, आप एक बार ज़रूर उसे देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और अभी आपको आई बटन पे भी क्लिक करके आप चाहें तो वो ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मेरा कटिंग प्रोसेस पूरा हो गया है, और अब हम इसके जो एक्सेस धागा है उसको हम काट लेंगे, इस तरीके से आप काट लेंगे, काटने के बाद में यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, और जो एरल्डाइट थोड़ा बहुत बचा है आप उसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसको 24 घंटे के लिए, टोटल 24 आवर्स के लिए इसे आपको रखना है, और अगर आपके एरिया में धूप आती है तो उस समय पे आपको इसे धूप में रखना है और पानी से बचा के रखना है। आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी बादल आ जाते हैं, ऐसी कंडीशंस के लिए आपको इसको ध्यान में रखना है, और इसे हीट नहीं करना है, किसी भी तरीके से इसे गर्म नहीं करना है, इसका अपना एक नेचुरल हीटिंग प्रोसेस है वो खुद करेगा केमिकल, और फिर आपका जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा तो ये एक नॉन स्टिकी हो जाएगा, यानी आप इसे टच करेंगे तो ये टचिंग में भी आपको स्टिक नहीं महसूस होगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये पक्का हो गया है, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं भी इसे रख दूंगा 24 आवर्स के लिए, और अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने इसे मेरे आर्चर ने शूट किया, और शूट करने के बाद उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, आपके लिए फिर दोबारा से बोलूँगा हैप्पी दिवाली।